नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। ट्रंप और किम जोंग उन के बीच वार्ता दो दिन तक चलने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच वार्ता को जारी रखने पर बनी सहमति। सिंगापुर में 12 जून को होगी दोनों की मुलाकात। बगदाद के सदर सिटी जिले में हथियारों के डिपो में विस्फोट, धमाकों में 16 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। मेक्सिको के टुल्टेपेक में एक घर के भीतर पटाखों में विस्फोट, 7 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत का बयान। ईरान ने परमाणु समझौते पर जारी गतिरोध समाप्त करने की अपील की। गतिरोध खत्म नहीं होने पर परमाणु पर्यवेक्षकों के साथ सहयोग नहीं करने की कही बात। और लंदन के मंडारिन ओरिएंटल होटल में लगी भीषण आग। दमकल की करीब 120 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।